स्वागत है सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल में। जैसा आप देख रहे हैं, इस टाइम मैं मौजूद हूं प्रयागराज की नगर पंचायत भारतगंज वार्ड नंबर 11 में। यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर टाली जो लगा हुआ है, जिसमें ईंट लोड है, वो पलटा हुआ है। जानते हैं, यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और लेते हैं संक्षिप्त जानकारी। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद वसीउद्दीन खान। अच्छा, तो ये आपका ईटा है, आपने मंगवाया था? नहीं नहीं, मोहल्ले में जा रहा है। मोहल्ले में जा रहा है, तो आपका घर यहीं पर है? मेरा घर ये सामने लाइट जल रही है। अच्छा, सामने जो घर लाइट जल रही है वो आपका घर है। तो ये कब पलटा, किस तरह? ये मगरिब से पहले पहले पलटा, करीब पाँच बजे। अच्छा, तो इसे पलटने की वजह से किसी तरह से कोई हादसा या? हाँ, वो तो जब ये पलटा है तो उसी टाइम में समझ लो इधर सब जानवर भी थे, वो भागे इधर उधर, तो यहाँ पे ये मतलब ड्राइवर फेंका गया ऊपर से। अच्छा अच्छा, ड्राइवर यहाँ से भाग नहीं, गिर पड़ा, फेंका गया? फेंका गया, वो तो जना बच गया, बहुत आधा घंटा भी हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी मोहल्ला वालों ने इस तरह से उसका सहयोग किया? हाँ, पानी उन्हें छिड़के उसको होश आ गया, यानी किसी तरह से कोई जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ, इस तरह से बच गए। तो उस कितना समय हुआ इसको पलटे तकरीबन? अब इस टाइम में 5 बजे करीब। तो उस टाइम बच्चे भी खेलते रहते यहाँ पर? नहीं, बच्चे थे तो अपनी जान, यह हमारा परिचय है, गुलाम नबी है, वार्ड नंबर 11 जुबेर नगर। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, ये ट्रैक्टर फंस गया और पलटने से कुछ बच्चे बच गए, दौड़ दौड़ के गिर पड़े। अच्छा। और जो है ड्राइवर अपनी जान बचा करके कूद पड़े, लेकिन क्या है कि आधे घंटे उसको सदमे से बेहोश हो गया। क्या हुआ है ना, ये कच्चा रोड तो है ही है पूरा, इसके लिए कई बार एप्लीकेशन भी दिए थे और वो भी किए थे, अभी ये भी बोले हैं कि बजट आ जाए तो बनवाए। समझ रहे हैं? आप लोगों ने इसका जानकारी दे रखा है पहले से? जी, जानकारी, ये बस्ती नया नहीं है, 500 साल पुराना बस्ती है। हाँ। ये जान उन जो थे न, यानी कई चेयरमैन बने लेकिन इसका उद्धार नहीं हो पाया, ये मामला है जी। पूरा इसे कच्चा है और बारिश के टाइम में ये ट्रैक्टर उत्तर आके सारा गड्ढा कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अभी आप इसके बारे में? इसको जो है तत्काल जो है इसका रोड का निवारण किया जाए और समस्या से जो जितने भी लोग हो निजात पा जाए। हाँ। परेशानी काफी मोहल्ले वालों का है। तो यहाँ से पहले क्या है कि मिट्टी भी जाती थी कब्रिस्तान जाने के लिए। हाँ। लेकिन ये रास्ता गड़बड़ होने की वजह से घूम करके जाना पड़ता है। अच्छा, रास्ते को सही, रास्ता सही न होने की वजह से काफी लंबा राउंड लेना पड़ा है। पंचायत में जो है पानी की वजह से जो है ये दिक्कतें हैं, नाली नहीं बनी है, नाली अगर बनी रहती तो पानी निकल जाता, तो सड़क कच्चा रास्ता है, कच्चा नहीं होता, ये कच्ची जमीन है। कई बार इसकी नाप भी हो चुकी, सर्वे हो चुका है, लेकिन आज तक इस पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है नगर पंचायत की तरफ से। क्या परिचय आपका? मोहम्मद जावेद नाम है जी। यही रहने वाले हैं क्या जी? घर आपका यहीं पर है? वार्ड नंबर 4 में। वार्ड नंबर 4 में? अच्छा, ये ट्रैक्टर बता रहे हैं सब आपका है? जी जी, मेरा ही है ट्रैक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर आपका है, तो इस तरह से आपका काफी नुकसान भी हुआ होगा? अरे भाई, नुकसान तो हुआ ही है। नुकसान हुआ है जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि इसके बारे में कई बार संज्ञान दिया गया है, जानकारी दिया गया है और इसका एप्लीकेशन और तमाम बातें हो चुकी हैं, सर्वे भी हो चुका है, नाप भी हो चुका है इसका, अगले नगर मतलब इसके पहले जो चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में इसकी नपाई हो चुकी है। अब कार्यकाल चेयरमैन हुए वो भी नाप कराए हैं और जेई भी आ चुका है, अभी नाप के दिया है, उसका अभी बजट न आने की वजह से ही अभी जी। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपका ट्रैक्टर है, आपका ड्राइवर है, इस पे था तो कुछ तरह से ड्राइवर कोई नुकसान हुआ? नहीं नहीं, नुकसान बच गया, बच गया, वो उनकी जान बच गई, यही समझ गया। टाली पलटी है, ट्रैक्टर नहीं पलटा है, कुछ भी हो सकता था, वो भाग गए, वो गिर पड़े। गरीब आदमी बेचारे 200-300 रुपया कमाते हैं और उनका कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर जान भी चली जा सकती थी। जब ये ट्रैक्टर जो है जब फंस गया तो ये उछाल मार रहा था, ट्रैक्टर इतना तेज उछाल मार रहा था, झटका दे रहा था, तो ड्राइवर ऐसे मतलब बाहर मतलब चला गया, वो कूद गया और चला गया। अभी तक दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।